वहीं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कोरोना लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूरों के साथ हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। महाराष्ट्र के यवतमाल में आज यानी मंगलवार की सुबह एक डंपर और बस की जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें बस के ड्राइवर सहित चार प्रवासी मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई है। तो वहीं 15 से भी ज़्यादा मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि बस प्रवासी मजदूरों को लेकर सोलापुर से झारखंड जा रही थी। बताया जा रहा है कि डंपर के पीछे से बस की भयानक टक्कर हुई और टक्कर इतनी भयानक थी कि डंपर का कुछ हिस्सा बस में घुस गया है और बस चालक सहित चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 15 से ज़्यादा लोग घायल हैं। घायलों का इलाज यवतमाल के एक अस्पताल में चल रहा है। वहीं दूसरी खबर सील दीवार रोड से है, जहां रात के समय करीब 1 बजे के आसपास एक गोदाम में भयानक आग लग गई। तस्वीरें देखें, ये सील दीवार रोड की एक भंगार के गोदाम की है, जहां ऊंची ऊंची आग की लपटें उठते देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के दरमियान ये भंगार का गोदाम बंद था। इसमें प्लास्टिक, रबर की चप्पलें इत्यादि चीजें थी। आग की घटना की सूचना मिलते ही मौके पर दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। करीब 30 से 45 मिनट कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। इस आग की घटना में बताया जा रहा है कि गोदाम में रखे भंगार करीब 3 से 4 लाख के जलकर राख हो गए हैं। बहरहाल आग कैसे लगी अभी तक इसका पता नहीं चल सका है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।